तो बस अब हम पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल पे। कैंपटी फॉल पे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा। अगर कैमरा दिखा पा रहा है तो पीछे दिख रहा है हिमालय। अल्मोड़ा से हिमालय व्यू। तो फ्रेंड्स हम ये मार्केट में हैं। अब दिख रहा होगा आपको, ये है खीम सिंह मोहन सिंह फेमस मिठाई। ये जो रास्ता है, ये रास्ता एनटीटी को निकलता है और ये रास्ता भी 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो अभी चल रहा है तो हम यहीं से आए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ने अल्मोड़ा क्रॉस कर दिया है, 8 बज गए हैं। 8 बजे देखिए हम लोग अल्मोड़ा पहुंच गए हल्द्वानी से, और थोड़ी अच्छी सी लोकेशन देख के हम लोग नाश्ते की तैयारी करके खुद बनाने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है भाई लोगों। ब्लॉग को आगे तक देखिएगा। और ये मैंने एप्पल, मुझे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता भूख से, तो मैंने कहा एक एप्पल खा लेती हूँ तब तक। वन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो आप लोग भी एक एक एप्पल जरूर खाएंगे जी सुबह। आजकल तो वैसे भी एप्पल सस्ते हो रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, बहुत मजा आने वाला है ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं मुंशियारी। बाड़ी छीना, यहाँ से बेरीनाग 74, दीदी हाट 128 किलोमीटर आपको दिख रहा होगा। मुंशियारी यहाँ से 174 है, तो हमको जाना है मुंशियारी। ये जो आपको सीधे रास्ता दिख रहा है ये जाएगा पिथौरागढ़ के लिए। हाँ। और हम यहाँ पे, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, हम जाएंगे मुंशियारी। हाँ, ये डीडी आर्ट होते हुए मुंशियारी। वाओ क्या व्यू है ना। अब कोई अच्छी सी लोकेशन देखते हैं हम लोग नाश्ते के लिए। अब हम बाड़े छीना को क्रॉस करके यहाँ पे रुके हुए हैं, और यहाँ से जो धौल छीना है वो होगा कम से कम 10-15 किलोमीटर। और ये हमने सेटअप लगा लिया है आज का, ये इस पे आलू उबल रहे हैं, और यहाँ पे हम बनाएंगे परौठे के लिए एक दूसरा चूल्हा भी लेके आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के परौठे, तो ये आलू मैश कर दिए हैं। ये देखिए ये हमारा आलू के परौठे का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, और मैं बनाने जा रही हूँ आलू के परौठे, वो भी देखिए कितने घने जंगल में। तो ये देखिए यहाँ पहला आलू का परौठा रख दिया है हमने। ये फ्रेंड्स पराठे बन के रेडी हो चुके हैं, इतने सारे पराठे बना दिए मैंने, हरी चटनी, लाल चटनी और आलू के परौठे, कॉफी, इतना ही जिंदगी लिख के लिए काफी। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है हम लोगों ने, कसम से बड़ा मजा आवे जब पेट में कुछ अन्न और जल चला जावे, तो झूले लाल की कसम मजा आ जावे। तो हमें बहुत मजा आ गया सुबह का ब्रेकफास्ट करके, अब निकलते हैं आगे को। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं शेरा घाट, पहले बाड़छीना फिर दौलछीना, अब शेरा घाट आ चुका है, और अब यहाँ से हम जाएंगे बेरीनाग। हर जगह आपको ये पुल जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ों में नदियाँ होती हैं। ये देखिए क्या नदी है, वाह। तो पहाड़ों के बीच में नदियाँ होती है, सो ऐसे पुल बनाने पड़ते हैं। पुलिस चौकी, यहाँ चेकिंग वेकिंग तो नहीं हो रही है, यातायात पुलिस लगी हुई है। तो फ्रेंड्स हमने पार कर दिया है शेरा घाट, बस बेरीनाग यहाँ से 34 किलोमीटर है, फिर वहां से हम जाएंगे थल से कटता है रास्ता मुंशियारी को। तो हम पहुंच चुके हैं बेरीनाग से 30 किलोमीटर है थल। अब आपको दिखाता हूं व्यू, ये देखिए हिमालय का व्यू बेरीनाग से, और यहां बहुत बर्फ भी पड़ती है। क्या लग रहा है यार हिमालय, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स हम थल पहुंचने वाले हैं, यहां से लगभग 5-6 किलोमीटर रह गया थल। थल क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मुंशियारी 70 किलोमीटर। ये जो लेफ्ट जहाँ ये जीप गई है ये मुंशियारी का वे है, 70 किलोमीटर है, और जो राइट साइड है ये डीडी हाट है 22 किलोमीटर। तो चलते हैं फिर मुंशियारी। अब हम थोड़ी देर में नाशी पहुँचने वाले हैं, और ये जो हमारा मुंशियारी का ट्रिप था, पहले मैं और तिम्मो आ रहे थे, पर तो, दो लोग और इसमें ऐड हो चुके हैं। वो उनने हमारा स्टेटस देखा, वो लग गया था हम भी आ रहे हैं, हमने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग अब 4 लोग हो गए, तो चलिए 2 से पहले 4,
वो लोग हमको नाश्ते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देखो कितना खतरनाक रास्ता है मुनस्यारी का, हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं जैसे लेवल पार करते हैं ना वैसे ही। ये देखो आगे से एक गाड़ी आ गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज में चढ़ रही होगी। और टूटा फूटा रास्ता है ऐसा लग रहा है, अभी अभी बना रहे हैं इसे, अभी भी बना ही रहे हैं शायद। अभी हम रुके हैं नाशनी मार्केट में और ये स्कूल है, यहाँ रामलीला भी होती है GIC, और ये है नाचनी की मार्केट। हम लोग यहाँ से निकल गए नाचनी से मुनस्यारी, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है ना। तो हमारे साथ ज्वाइन हुए अभी दो, ये देखिए चंचल कोश्यारी जी और ये है योगेश रौतेला जी, तो ये दोनों अब हमारे साथ ट्रिप में बने रहेंगे। तो मेरा जी क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहेंगे? अब यहाँ से हम जाएंगे बिरथी फॉल जो कि बहुत ऊंचा फॉल है, तो वहाँ जाएंगे सबसे पहले। ये रहे, गर्मी बहुत होगी तो ना भी लेंगे था मेरा जी। नहीं अब कहाँ होती है गर्मी, अगर 12 बजे पहुँचते तो सोचते हैं, मैं अभी तो ऐसा लगेगा ऊपर से बर्फ गिर रही है पानी की जगह, रोड हो रही है बहुत ही खतरनाक। ये शायद काम चल रहा है इसमें ना, ये ऐसे टूटा फूटा कुछ है, ऐसी है तो कितनी वाइट मिट्टी है ना, सफेद पहाड़। अरे देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक टक्कर हो गई है, वो तो सेवा किसी कुछ हुआ नहीं है, और ये देखो कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना। नहीं इसके अलावा मतलब आदमी का और कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है आप क्या किया जा सकता है। तो ये देखो ये बिल्कुल भचक गई है इसमें आके, तो भाई लोगों मालिक आने वाले हैं गाड़ियों के, ये बोल रहे हैं गाड़ी 5-10 मिनट में हट जाएगी, काफ़ी देर से जाम लगा है यार यहाँ पे। ये देखो ये देखिए फ्रेंड्स कोहरा लग चुका है, अरे ये ठंडे वाला कोहरा नहीं, ये धूल वाला कोहरा है जो हमारी गाड़ी में बिल्कुल बैठ गया है अच्छे से। अभी मेरा जी कह रहे हैं वीडियो बनाओ मजा आएगा, मजा आएगा, अभी धोनी पड़ेगी गाड़ी। पता चलेगा तो धोनी पड़ेगी, सही है। ऐसी धूल हो रही है ना यहाँ पर, जो बाइक से आ रहा होगा उसका तो बेचारा घर वाले बेचाने के नहीं पहुँचने तक। और अब बिरथी फॉल यहाँ से सिर्फ 1-2 किलोमीटर है, पहुँचने वाले हैं हम, बहुत ही सुंदर फॉल आपको दिखाएंगे अभी। ये पुल है, पुल के इधर भी ढाबे उधर भी, चाय मैगी कॉफी जो आपको खाना है पीना है वो आप यहाँ से खा सकते हैं। और वो देखो वो झलक दिख रही है वो एक, तो बस चढ़ाई शुरू कर दी हमने, क्या हाइट से गिरता है यार ऊपर देखो। तो बिरथी फॉल का जो ट्रैक है ज़्यादा नहीं 200 या 300 मीटर है, लेकिन 300-400 मीटर के बाद बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन, काफ़ी देर से फोटो सेशन कर रहे हैं लोग। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, आज तो फोटोग्राफर भी लेके आए हैं साथ में। ज़्यादा दूर नहीं है वो, वहाँ पे जाना है हमने, और ये है बिरथी फॉल। और ये देखिए अगर आप नीचे से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिरथी फॉल के पास भी दुकान मिल जाएगी, चाय मैगी सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मुझे लग रहा है एक शॉप शायद वहाँ पे भी है, अब वो वहीं जाके पता लगेगा। चलते हैं ऊपर को क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे भी एक दुकान है, आपको यहाँ पे भी एक दुकान मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए बिरथी फॉल के बिल्कुल पास हमारा ये मिनी स्टोव जिसमें मेरा जी मैगी बनाने वाले हैं, ये होता है कैंपिंग स्टोव, डाला मसाला और ये बनी मसाला मैगी, हमारी मैगी बनके तैयार। तो ये बन चुकी है हमारी मैगी बिल्कुल बिरथी फॉल के पास, हम अब बैठ के खाएंगे अपनी मैगी। आप यहाँ से बिल्कुल फॉल तक जाना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे रास्ता बना हुआ है, चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत प्यारी हवा आ रही है फॉल की वजह से, और ये है फॉल, वो देखो वो लोग जा रहे हैं, ज़्यादा आगे क्या जाना है यार, शाम भी हो गई है, चलते हैं मुनस्यारी को। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपको हमने बिरथी फॉल दिखाया जो बहुत ही खूबसूरत था, तो कल हम यहीं अभी स्टे करने वाले हैं आज मुनस्यारी में, तो कल आपको मुनस्यारी एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि आगे आपको बहुत अच्छी वीडियो मिले, जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंच जाए, तो इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।